तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एंटी हेयर फॉल, ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था तो फिर मैंने सोचा चलो ये वाला मास्क ट्राई करती हूँ। और फिर मैंने इसको ट्राई किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 ग्लास पानी। पानी आप टैप वाटर ले लीजिए। और उसके बाद आपको चाहिए होगी 1 छोटे साइज़ की प्याज। और उसके बाद आपको चाहिए होंगे लहसुन के 4 जवे, आधा खाने का चम्मच आपको चाहिए नमक, 1 खाने का चम्मच आपको चाहिए होंगे सफ़ेद तिल, आधा खाने का चम्मच आपको चाहिए कलौंजी, 1 खाने का चम्मच आप ले लीजिए मेथी दाना। और इस तरह से फिर अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने सबसे पहले 2 ग्लास पानी डाल लिया, टैप वाटर ले लीजिए आप, और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिए। इसको गरम करना है हमने पानी को, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो अब देख सकते हैं आप कि पानी गरम हो चुका है हमारा, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, चीज़ें ऐड करती जाऊँगी अब मैं इसमें एक एक करके। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच, ये वाला चम्मच लिया मैंने खाने का, 1 टेबल स्पून मेथी दाना। इसको बाद लोग मेथरे भी बोलते हैं, हम मेथी दाना बोलते हैं। और 1 ही खाने का चम्मच मैं डालूंगी सफ़ेद तिल, देख सकते हैं ये डाला मैंने, 1/2 खाने का चम्मच मैंने ले ली कलौंजी, 1/2 खाने का चम्मच मैंने इसमें लिया नमक, इस तरह से ऐड कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैं इसमें लूंगी लहसुन के 4 जवे, छील कर आप इसमें ऐड कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से। फिर आप ले लीजिए, मैंने आपको बताया था 1 छोटी प्याज लेनी है, उसको स्लाइस में कट करना है, इसके स्लाइस करने हैं और इस तरह से ऐड कर देनी है। अब हम इसको तेज़ आंच पे भी पका सकते हैं, हल्की आंच पे भी पका सकते हैं। आपने इसको इतना पकाना है कि इस ये 2 ग्लास पानी से 1 गिलास पानी रह जाए, ठीक है, इतना पकाना है। अगर आप तेज़ आँच पर पका रहे हैं तो इसको 10 मिनट 5 मिनट पकाइए, हल्की आँच पे पका रहे हैं तो 10 से 15 मिनट पका लीजिए, इसके सारा एक्सट्रैक्ट निकल के आ जाना चाहिए पानी के अंदर। इस तरह से ये पक रहा है, अब जब मैंने इसको चूल्हे से हटा लिया था, इस तरह से जब ये पक गया था तो मैं ठंडा होने के लिए रख गया था, थोड़ा सा इतना ठंडा हो जाए कि मैं इसको ब्लेंड कर सकूं, तो फिर मैंने इसको पंखे के नीचे ही रख दिया था। इस तरह से आपके पास आ जाएगा, अगर आपके पास गाढ़ा आए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको गाढ़ा ही पीसिए मास्क की तरह। मेरे पास लिक्विड ही था तो मैंने इस तरह से, मुझे ऐसे इजी लगता है लगाना, पूरे बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, मास्क में मुझे पता नहीं क्यों मैं इजी फील नहीं करती। इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। मैंने पकाते वक्त थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया था ताकि मुझे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चाहिए, अगर आपको मास्क के फॉर्म में चाहिए तो आप इसमें 2 ग्लास पानी ही ऐड कीजिएगा। ये अब हमने स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लिया था, और ये जो हमारे पास बच रहा है ये सब वेस्ट होगा, और जो नीचे लिक्विड आ रहा है वो हमारे पास असल मास्क है। ये देखें, ये हमारे पास फाइनल शक्ल आई है, ये सब मैं फेंक दूंगी। और अगर आपने इसको अपने बालों में लगाना है और फिर आपने अच्छे से मसाज करना है, जड़ों में लगाना है आपने ना, ठीक है, उसके बाद आप 2 से 3 घंटे आप इसको लगा रहने दीजिए, उसके बाद सर वॉश कर लीजिए, रिजल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।